8 साल हो गए आम आदमी पार्टी को रहते रहते। नहीं, दिल्ली को बर्बाद कर दिया केजरीवाल ने। वोट तो बीजेपी को ही मिलना चाहिए दिल्ली में। गुजरात जितने भी गुजराती है ना, उसके जूते ही पड़ेंगे उसको वहाँ। उसको एक वोट भी नहीं मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सीटें आएगी उसकी। वो जिस हवा में है ना, उसको बोलो कि भूल जा। मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते पेशाब करते हैं वहाँ पे। मोहल्ला क्लिनिक में गधे बनते हैं, गधे वहाँ, गधे वाले वहाँ खड़े होके वहाँ पे लीदे पड़ी रहती है उनकी। एक भी मेरे को क्लिनिक बताओ तो सही, वहाँ पे कौन सा है, कहाँ पे बनाया इसने। केजरीवाल का मतलब है झूठों की सरकार। आज मेरा बिजली का बिल आया 650 रुपए का। मैं मजदूर आदमी हूँ, यहाँ मजदूरी करता हूँ, जबकि मैंने अपनी एप्लीकेशन भी लगाई है, मेरे फोन में है वो। उसके बावजूद मेरा 650 का बिल आया है और यूनिट भुगे कुल 125। कह रहा मैं फ्री का है, बात का है। गुजरात में पता चलेगी उसको उसकी औकात। मैं चुनौती दे रहा हूँ, कम से कम 175 सीटों के ऊपर उसकी जमानत जब्त होगी। क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? 3 सीट आएगी उसकी। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ जो चुनाव हुए 402 सीटों पे? 392 सीटों पे उसकी जमानत जब्त है। उस बात की चर्चा नहीं करते जो दिल्ली के स्कूल चल रहे हैं सरकारी। 550 प्रिंसिपल नहीं है सरकारी स्कूलों में। वो कहता था मैं 5000 स्कूल बना के दूंगा, 50 स्कूल नहीं बने उससे। उसको बातें बड़ी मीठी मीठी आती है। हरियाणा का आदमपुर, जो अन्ना का नहीं हुआ वो आपका और हमारा कहाँ से होगा? से ये पूछा जाए कि भाई तू चाहता क्या है दिल्ली में, दिल्ली वालों को जीने देगा कि नहीं जीने देगा? सत्येंद्र जैन अंदर है तो एक्सटेंशन मनी कैसे ले रहा है वो? जेल मंत्री होकर के जेल के अंदर जी। उसको किसी और जेल में भेजो ना, यूपी भेजो, हरियाणा भेजो, तब तो पता भी लगे कि जेल क्या होती है। अपने जेल के अंदर अगर आप अपने घर के अंदर कैद हो तो आप तो, आपको मम्मी खाने को भी बना के देगी और पीने को भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा उसको वहाँ पे, सब कुछ मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ पागल बना रहा है। और अब ये गुजरात गया हुआ है पागल बनाने, हिमाचल में पागल बनानी जगह, इसलिए वापस आ रहा है वहाँ से। गुजरात गया हुआ है ये, खाली 8 दिन गुजरात की बस में दोपहर का टाइम निकल के और मेरे को बता दे वे, कोई उसको बैठने के लिए सीट बोले तो जो कहेगा मैं वो सरत हार जाऊंगा। गुजरात की पब्लिक कोई बेवकूफ नहीं है। कह रहे गुजरात से इस बार उखाड़ के फेंक देंगे बीजेपी को। अरे उसी को उखाड़ के फेंक देंगे, केजरीवाल को ही उखाड़ के फेंकेंगे। क्या मैं वहीं रहता हूँ और मैं वहीं से आ रहा हूँ गुजरात से, अहमदाबाद से, और के बस में जाके और उसमें कोई वहाँ की पब्लिक उसको बैठने के लिए भी कहे तो जो कहेगा मैं सरत हार जाऊंगा। क्या गुजरात की पब्लिक बहुत शाणी है। कह रहे 27 सालों से गुजरात में कुछ काम नहीं करा है भाजपा ने। तो मैं आने वाली नहीं है, ये बेवकूफ बना रहा है। वो यहाँ भी बनाएगा पंजाब में और यहाँ, अरे यहाँ पे वहाँ पे वो बनने वाले नहीं है। ये अभी 8 तारीख को पता लग जाएगा। 8 तारीख को कह रहे गुजरातियों को मुफ्त की रेवड़ी खिलाएंगे। वो जो मर्जी खिलाए, गुलाब जामुन खिलाए, रेवड़ी खिलाए, गाजर, वो क्या नाम, गाजर खिलाए, मूली खिलाए, लेकिन सब उसका निकाल देंगे सारा खाया पिया हुआ। इसने एक दिल्ली वालों को नारा दिया है कूड़े के पहाड़। जी जी, मैं कहता हूँ कि अगर आज दावे से कहता हूँ कि शर्त लगा ले मेरे से, दिल्ली में 3 लैंडफिल हैं, गाजीपुर, बुराड़ी, ओखला। इस 3 लैंडफिल के अलावा कोई लैंडफिल दिखा दे हमारे को। ये हर निगम पार्षद में, 250 निगम पार्षद है दिल्ली की जो वार्ड हैं, उसमें इन्होंने यार कूड़े के पहाड़ नहीं बनने देंगे। अबे भाई बनाओगे तो तुम ही ना कूड़े के पहाड़, जब लैंडफिल 3 है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गाजी अपना बुराड़ी वाला लैंडफिल है, जो बाईपास पे लैंडफिल है, उससे पिछले 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर इतना कूड़ा उठ के सड़क बनी है। नितिन गडकरी जी को इसको पैर धो धो के पीने चाहिए कि उन्होंने पूरी नरेला तक, अंदर इंडस्ट्रियल एरिया तक उसी कूड़े से सड़क बनाई है। और ये दुनिया को पागल बना रहा है दिल्ली वालों को कि कूड़े के पहाड़, कूड़े के कहाँ है कूड़े के पहाड़ बताओ तो सही। दिल्ली के लग रहा है एमसीडी में इस बार आ पाएंगे हैं? लग रहा है इस बार आम आदमी पार्टी एमसीडी में आ पाएगी। एमसीडी में तो किसी हालत में नहीं आएगी। आज ये महिला खड़ी है या दूसरी महिला खड़ी है, इनसे पूछो इनकी गली में रोज एमसीडी की गाड़ी आती है कि नहीं आती। एमसीडी की गाड़ी आती है कि ना? आप अगर आप दिल्ली के रहने वाले तो आपकी आपकी गली में गाड़ी आती होगी, नीला डब्बा और हरा डब्बे वाली, वो जो वैन चला रहा। जी जी जी, हर गली में आ रही है और दिन में 2-2 बार आ रही है। कहाँ से कूड़े का पहाड़? एमसीडी ने अगर काम ना किया होता तो एमसीडी क्यों इसको वो कर? सर सहमत है इनकी बातों से आप? मैं तो मुझे मालूम नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। साफ सफाई हो रही है दिल्ली में? हो रही है, नहीं भी हो रही है, दोनों बात है। बीच 50-50। सर आप सहमत है इनकी बातों से? हाँ जी बिल्कुल। आप दिल्ली से ही हैं? हाँ। मैं नाम क्या आप? मेरा नाम निखिल है। निखिल जी, लग रहा है काम हो रहा है दिल्ली में? बिल्कुल नहीं हो रहा है, एमसीडी ने तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। आठ साल हो गए आम आदमी पार्टी को रहते रहते। नहीं, दिल्ली को बर्बाद कर दिया केजरीवाल ने। वोट तो बीजेपी को ही मिलना चाहिए दिल्ली में। कह रहे एमसीडी में इस बार मौका दीजिए आप, दिल्ली का बिल्कुल कल्प पलट देंगे एमसीडी में। कभी जिंदगी में नहीं देंगे इसे तो, कभी जिंदगी में मौका नहीं देंगे एमसीडी में तो। ऐसा क्यों?
ये काम ही नहीं करता जी। अगर दिल्ली बीजेपी के पास हो तो और डेवलप होगी दिल्ली। कह रहे भाजपा कुछ करते नहीं, हमसे सीख सीख के काम सीख रहे हैं देख देख के। भाजपा ही करती है और करती कौन है? कांग्रेस ने क्या करा, आपने क्या करा, और पार्टी ने क्या करा देश में? लग रहा है आम आदमी पार्टी इस बार हटा पाएगी बीजेपी को एमसीटी से? कोई कतई नहीं हटा पाएगी, इस साल नहीं अगले 10 साल नहीं हटा पाएगी। सर आप क्या कहना चाहेंगे आम आदमी पार्टी को? आप गुजरात के नागरिक होते हुए गुजरातियों को क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल जी के काम को लेकर? उसको जूते मारने चाहिए, वहाँ गया हुआ है तो। गुजरात जितने भी गुजराती है ना, उसको जूते ही पड़ेंगे उसको वहाँ। उसको एक वोट भी नहीं मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सीटें आएगी उसकी। वो जिस हवा में है ना, उसको बोलो कि भूल जा। कह रहे कि पब्लिक बस में किसी को सीट नहीं देती, आप खड़े रहो, कितनी भी भीड़ हो, कोई भी हो, किसी भी एज का हो, लेडीज हो या जेंट्स। कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के वोटर्स जो हैं, उनके वोट्स उनके खाते में आ सकते हैं? वो नहीं आ सकते हैं, वो जो मर्जी बोले। मेरी बात से अंकल 110% सहमत होंगे। इसने 2016 में बोला था, 2015 में बोला था कि मैं जमुना में डुबकी लगवा दूंगा। आज हमारे यहाँ बिहार और पूर्वांचल के लोग खड़े हैं, इनसे पूछो ये बेचारे छठ मनाने कहाँ जाए। इनसे पूछो कि रिवर फ्रंट कैसा बना दिया उसने, मोदी ने रिवर फ्रंट कैसा बना दिया। आज रिवर फ्रंट से मिला लो दिल्ली की जमुना जी को, जमुना जी को गंदा नाला बना दिया इसने, जबकि सिर्फ पूरी दिल्ली में 22 किलोमीटर पर जमुना बहती है। समय मांगते रहते हैं कि और समय दीजिए, 5 साल और दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि इस बार सिर्फ अब तो छठ खत्म हो गई जी, एक बार डुबकी लगा के आ जाए, हम उसका इलाज हम कराएंगे फ्री में। वो कहता ना अस्पताल अच्छे कर दिए, कौन से हॉस्पिटल? अभी 3 दिन पहले एलएनजेपी के अंदर आप पूरे स्टाफ ने हड़ताल करी है। मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते पेशाब करते हैं वहाँ पे, मोहल्ला क्लिनिक में दिल्ली का कोई गधे बनते हैं, गधे वहाँ, गधे वाले वहाँ खड़े होके वहाँ पे लीदे पड़ी रहती है उनकी। एक भी मेरे को क्लिनिक बताओ तो सही, वहाँ पे कौन सा है, कहाँ पे बनाया है इसने? द्वारका के एक हॉस्पिटल की इसने इनॉग्रेशन करी, जिसमें किताबों में RTI से खुलासा है कि उन्होंने दिखाया कि इसमें 650 कोरोना पीड़ित लोगों का इलाज हुआ, लेकिन वहाँ पे अभी तक एक ईंट भी नहीं रखी। नींव के पत्थर के अलावा कुछ नहीं है वहाँ, 20-20 फुट गहरे गड्ढे हैं। इससे झूठा, इससे निकम्मा, इससे गद्दार आदमी दिल्ली के लिए नहीं है, हिंदुस्तान के लिए नहीं है। मैं दिल्ली अभी तो फिलहाल दिल्ली में है और अब ये बताओ पराली का धुआं आप कहाँ है? पराली का धुआं वही पंजाब से आ रहा है ना। ये वो कह रहा था मैंने पूजा इंस्टीट्यूट से एक वो केमिकल लिया है, फॉर्मूला बनाया है, जो मैंने किसानों को दिया। अरे अब क्यों नहीं दे रहा? अब तो तेरी सरकार है वहाँ पे, दे ना। 40 महीने से ऊपर हो गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं है पराली के जलाने से। 40,000 रुपये का फार्मूला, 3.5 लाख रुपये उसको बनाने पे, और 7.5 करोड़ रुपये की ऐड, ये भी RTI का खुलासा है। हम कुछ नहीं कह रहे, RTI से निकलवा लो, 7.5 करोड़ रुपये ऐड। अरे ये कहता है नोटों पे लक्ष्मी गणेश जी की फोटो। अरे जब इसने दिवाली की शुभकामनाएं दी पब्लिक को, आम पब्लिक को दिवाली की शुभकामनाएं दी, हर अखबार में इसका पूरी पेज का ऐड आया कि उसमें लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति नहीं है, मतलब फोटो नहीं है, नोटों पे छाप दो। अरे नोट हर एक के हाथ में जाता है। ये भाई अगर कुछ यूरिनल करके आया तो नोट जेब में से हाथ डाल के निकालेगा, मतलब हिंदू धर्म के लिए। इसके बाद भाजपा पे वो इल्जाम लगाते रहते कि हिंदू की पार्टी करती है, अब वो खुद ही वही कर रहे हैं, ये चीज सेम वही कर रहे हैं। भाजपा 110% हिंदुओं की पार्टी है, और हिंदुस्तान में अगर हिंदू धर्म के लिए नहीं बोलेंगे तो उसी लक्ष्य कदम पे केजरीवाल जी चल रहे हैं। केजरीवाल तो अब मैं कहना नहीं चाहिए टीवी चैनल पे कि वो DNA टेस्ट करा ले कि किसकी पैदाइश है, तो बाद में बात करेंगे, क्योंकि उसकी DNA में भी मिलावट आएगी, उसके DNA में भी मिलावट आएगी कि वो हिंदू का है या किसी हमारे मोमनन भाई का है वो, क्योंकि ये एकदम। एक बार बताओ लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति क्यों छापी जाए नोट पे? आप एक बार उसको बोलो ना, एक बार TV पर आकर के बोल दे कि पैगंबर के किसी या किसी मस्जिद का फोटो छाप देते हैं, फिर देखो इसका क्या हाल होता है। मतलब हिंदू शांत है तो इसका वो नजायज फायदा उठाता है। क्यों भाई, तू किसी और धर्म की छाप के तो देख, या बोल के तो, सिर्फ बोल के देख, छाप रहेगी तो बहुत दूर की बात है, बोल के तो देख। अगर लक्ष्मी गणेश की फोटो क्यों छपे? हम समर्पण है तो जो मंदिरों के पुजारी हैं उन्हें भी तो तनख्वाह दे, जैसे मौलवियों को देता है, इमामों को देता है, दे ना, क्यों नहीं देता है? अब ये कहता है कि मैं राम, अगर मंदिर की बात है तो वो एक दफे जोर से कह दे जय श्री राम। उसकी नानी कहती थी कि जन्मभूमि पे नहीं जाइयो बेटा, वहाँ मेरे राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए। अब नानी ने कह दिया कि वहाँ पे लोगों को भेज, ये खुद क्यों नहीं जाता है अयोध्या जी मत्था टेकने? कह रहा मैं लोगों को पहुँचाऊंगा। जब इस
केजरीवाल का मतलब है झूठों की सरकार। आज मेरा बिजली का बिल आया 650 रुपए का। मैं मजदूर आदमी हूँ, यहाँ मजदूरी करता हूँ, जबकि मैंने अपनी एप्लीकेशन भी लगाई है, मेरे फोन में है वो, उसके बावजूद मेरा 650 का बिल आया है और यूनिट भूगे कुल 125। कह रहा मैं फ्री का है, बात का है, किस बात का फ्री है? ये चांदनी चौक में अपने बाल अवस्था से देख रहा हूँ, 64 साल की उम्र है, कभी कोई प्रतिबंध नहीं लगा, इसे जेल खाना बना दिया। व्यापारी रो रहे हैं, जब तक कोई अपनी गाड़ी लेके नहीं आएगा, फर्ज करो बेटा आप ही अपनी शादी की शॉपिंग करने आई हो जी, जी। तो आप ये नहीं चाहोगी कि मैं पैदल ज्यादा से ज्यादा चलूं, आप भी ये चाहोगी कि गाड़ी मेरी वहां रुके? अरे पार्किंग खत्म कर दे यहाँ से, कि भाई रोड पे कोई पार्क नहीं करेगा, साइडों में पार्किंग है वहां जाके खड़ी करो, परंतु आने जाने तो दे। उनने तो सिर्फ लोगों को प्रताड़ित करना है, चुनाव के टाइम पे लॉलीपॉप देने हैं, प्रलोभन देने हैं। मैं खुल के कह रहा हूँ, भाजपा विरोधी या इस राष्ट्र विरोधी जो सोच के लोग हैं वो वोट देते हैं, या जो क्लस्टर में है झोपड़पट्टी में गरीब गुरबे लोग हैं सिर्फ वो वोट देते हैं, और वो ही मेजोरिटी में है, इसलिए वो दिल्ली में, गुजरात में पता चलेगी उसको उसकी औकात। मैं चुनौती दे रहा हूँ, कम से कम 175 सीटों के ऊपर उसकी जमानत जब्त होगी। क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? 3 सीट आएगी उसकी। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ जो चुनाव हुए 402 सीटों पर? 392 सीटों पर उसकी जमानत जब्त है, उस बात की चर्चा नहीं करते? कूड़े के पहाड़ दिख रहे हैं, एमसीडी की तनख्वाह देने में उसको रोना आता है। ये कहता है जी, कह रहे हैं एमसीडी में मौका दीजिए इस बार। जो दिल्ली के स्कूल चल रहे हैं सरकारी, 550 प्रिंसिपल नहीं है सरकारी स्कूलों में जी। वो कहता था मैं 5000 स्कूल बना के दूंगा, 50 स्कूल नहीं बने उससे, उसको बातें बड़ी मीठी मीठी आती है। हरियाणा का आदमपुर, जो अन्ना का नहीं हुआ वो आपका और हमारा कहाँ से होगा? वो बातें बड़ी बड़ी करनी जानता है, और जो आदमी काम नहीं करता ना वो सिर्फ बात करता है, वो लच्छेदार बातें करनी खूब जानता है। आज क्या हालत है पंजाब की? 10 महीने 11 महीने पहले तो उग्रवाद इतना नहीं उभर रहा था पंजाब में, आज आप माता जी की जोत नहीं जला सकते वहाँ। सुधीर सूरी जी की हत्या हो गई, सुधीर सूरी जी की एक एक बात बताइए, आदमपुर ये कहता है मेरा ननिहाल है, आदमपुर इसका ननिहाल है, और इसके चाचा इसकी चाची इसके घर वाले वहीं रहते हैं, वहाँ से जो आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा हुआ था उसको मात्र 2900 कितने वोट पड़े हैं, वहाँ पे भी जमाना जब, वो कहता जी मेरा ननिहाल है। इससे ये पूछा जाए कि भाई तू चाहता क्या है, दिल्ली में दिल्ली वालों को जीने देगा कि नहीं जीने देगा? एक बात बताओ ना, इसने कौन सा स्कूल बनाया? एक स्कूल गिनवा दे, एक स्कूल दिखा दे। आज़ाद मार्केट का स्कूल जो पुल के नीचे स्कूल था उसको मर्ज करके प्रताप नगर में डाल दिया, 3 स्कूलों का एक स्कूल कर दिया। अब वो बच्चे अभी कल की RTI में आया है, 16.5 लाख बच्चे ऑल ओवर दिल्ली सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, इसके 8 साल के कैरियर के अंदर 16 लाख बच्चे पढ़ते थे, इसके 8 साल के कैरियर के अंदर वो सिर्फ 16.5 लाख हुए हैं। क्या जनसंख्या नहीं बढ़ी दिल्ली की? दिल्ली की जनसंख्या कम हुई है या ज़्यादा हुई है? हर बार ज़्यादा ही होगी। तो अब 50,000 बच्चे बढ़ गए, लेकिन स्कूल कितने कम हुए? 3 को 1 कर दिया, वो दिखाता कि मेरे इस स्कूल में बढ़ गए। अरे भाई कहाँ से बढ़ गए, जब तूने 2 स्कूल बंद करके उनको लड़के लड़कियों का स्कूल 1 कर दिया, डबल पाली में था उसको सिंगल कर दिया, अब प्रिंसिपल कम, साइंस की क्लासेस ही नहीं होती, साइंस की क्लासेस ही नहीं होती तो बच्चे कहाँ से आएंगे? 94% ये कहता है जी मेरे बच्चे पास हो गए। अरे भाई नाइन्थ में जो थोड़ा बच्चा कमज़ोर होता है वो फेल होता है मान लो, तो उसको टेंथ में नाइन्थ में दोबारा एडमिशन ही नहीं है। आप मेरे को कोई भी एक बच्चा जो फेल हुआ हो 9th के अंदर, उसका दोबारा उसी स्कूल में अगर एडमिशन हुआ हो तो उसको एक भी बायोडाटा ला करके दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे कि केजरीवाल ने कुछ करा है।